इलेक्शन करीब है, 18 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और आप मजदूरों के पास क्या पैगाम लेके जा रहे हैं कि वो आपको वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इंसाफ लेबर यूनियन 3-4 माह से ये नई रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी, और ये इसका मतन ये था बनने का कि ये जो पहली हमारी सबका यूनियंस थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये शेर थी या फूल थी, ये अपने मफादात के लिए हमेशा मज़दूरों का सौदा करके और अपने मफादात हासिल करते थे, जिस वजह से ये इंसाफ लेबर यूनियन उनके मुखालफीन उनके नज़रिए से हटके बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मकबूलियत ये है कि 3-4 माह ये यूनियन वजूद में आई और इसने ये 33 साल की यूनियन जो थी उनको ज़ेर कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़दूर तमाम वासा के ये इंसाफ लेबर यूनियन के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को ये भरपूर तरीके से हमें कामयाब करवाएंगे। आप उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे यूनियन में लोग हैं फूल में या शेर में वो आपको वोट देंगे? हाँ, बेसिकली तो वो जो लीडर होते हैं ट्रेड यूनियन के लीडरान, उनकी शक्लें ये मज़दूरों को अब अच्छी नहीं लग रही जिन लोगों ने इनका सौदा किया है और इनका खून चूसा है, ये इंशाल्लाह ताला अपने इंतकाम के लिए 18 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और उधर उसका जवाब देंगे। जी नाज़रीन, ये थे गिनती यूनियन के सदर अफजाल शेर साहब।